हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग हाउस। मूवी एक थिएटर में शुरू होती है जहां 16 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ मूवी एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि आज उसके मॉम डैड शहर से बाहर गए हुए थे। रात को देर से घर आती है, इसी वजह सुबह नाश्ते के वक्त उसकी मॉम डैड से थोड़ी कहासुनी भी हो जाती है। उसके मॉम डैड रूबी को बहुत समझाते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। अगले दिन रूबी के मॉम डैड की वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसको सेलिब्रेट करने दोनों बाहर एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे। मौका पाकर रूबी भी घर से अपने दोस्तों के यहाँ पर चली जाती है, और जब रूबी वापस घर आती है तब उसको दो पुलिस वालों से पता चलता है कि उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें दोनों की ही मौत हो चुकी है। रूबी को उनकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस वाले उसको काफी समझाते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अब मर चुके हैं, लेकिन रूबी तो इस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और उसी समय बेहोश होकर गिर जाती है। अगले दिन हमें उसके मॉम डैड के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रूबी के ही पड़ोसी डॉक्टर एरिन ग्लास, जो एक फिजिशियन है, और उसके हस्बैंड टेरी ग्लास, जो एक कार डीलरशिप कंपनी चलाते हैं, जिनका कोई भी बच्चा नहीं था। ये दोनों पड़ोसी रूबी का उसके मॉम डैड के फ्यूनरल में उसका काफी साथ देते हैं, क्योंकि रूबी और उसका छोटा भाई रिट दोनों इस खबर से सदमे में थे। फ्यूनरल के बाद रूबी के पास उसका मामा जैक भी आता है, जिसे वो आज पहली बार ही मिल रही है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको उसके मामा के बारे में बताया तो था लेकिन कभी मिले नहीं थे। रूबी का मामा उससे कहता है कि तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े या कमी हो तो तुम बेझिझक होकर मुझको बता सकती हो, मैं तुम्हारा उसमें पूरा साथ दूंगा। रूबी उनसे कहती है कि आप हमसे पहले कभी मिलने क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों? जिस पर वो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम और मुझ में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से दोनों की आपस में बनती ही नहीं थी। मैं तुम लोगों से पहले भी मिलना चाहता था लेकिन मैं किसी वजह से नहीं मिल सका, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कहीं भी और कभी भी अपने मामा की जरूरत पड़े तो मुझको बता सकती हो। जिस पर रूबी उसको थैंक्स कह देती है। जिसके बाद जब रूबी घर में होती है तब उसके मॉम डैड का वकील उनसे मिलने आता है, जो उसको बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड के पास एक इंश्योरेंस था जिससे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और तुम्हें पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, और अब से तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे पड़ोसी एरिन और टेरी तुम्हारे गार्जियन होंगे। ये सब अब अगले दिन ही इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर मलिबू में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि इस शहर की यादें रूबी और रेट को परेशान ना करे, जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। जहां पर एरिन और टेरी का एक बहुत बड़ा सा हाउस था जिसका नाम था द ग्लास हाउस। अब उस घर में जाते ही दोनों को सेपरेट रूम देने के बजाय वो लोग रूबी और रेट को एक ही रूम दे देते हैं, और जब सब खाने जाते हैं तब रूबी और रेट को वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खाना पसंद नहीं आने के कारण वो दोनों भाई बहन अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं और उसको पेट भर के खा के सो जाते हैं। रात को रूबी को नींद नहीं आ रही थी, जिससे वो रिलैक्स होने के लिए जब स्विमिंग करने जाती है तब उसको लग रहा होता है कि कोई उसको देख रहा है, जिस वजह से रूबी अपने रूम में वापस जाकर सो जाती है। अगले सुबह रूबी अपने नए स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अपने मॉम डैड के जाने की वजह से उसे मिड ईयर में ही स्कूल छोड़ना पड़ा, जिस वजह से उसको यहाँ पर काफी तकलीफ आती है, लेकिन वो फिर भी अपनी मजबूरियां समझते हुए वहाँ पर एडजस्ट कर लेती है। जब शाम को रूबी अपने स्कूल से घर आती है तो उसको वहाँ पर एक सरप्राइज मिलता है, जो टेरी उसके और उसके भाई के लिए लेकर आया था, जहाँ उसके लिए कुछ कपड़े थे और उसके भाई के लिए कुछ वीडियो गेम्स, जिससे दोनों भाई बहन का मूड सही हो जाता है। अब इसके बाद वो अपनी पुरानी फ्रेंड से आज के दिन की बात करती है, जहाँ उससे कोई दोस्ती नहीं करता, और तो और स्कूल भी बहुत अजीब सा है, जिसको एरिन सुन लेती है। और जब रूबी किचन में एरिन की मदद करने जाती है तब एरिन उससे थोड़ा नाराज होकर कहती है कि तुम्हें अगर स्कूल में अपने नए दोस्त बनाने हैं तो तुम्हें अपना बात करने का तरीका और अपना एटीट्यूड दोनों चेंज करना पड़ेगा। अब ये बात सुनकर रूबी को अच्छा नहीं लगता, और जब वो रात को स्विमिंग कर रही होती है तभी वो देखती है कि पास में से टेरी उसको अजीब नजरों से देख रहा है, जिससे वो अनकंफर्टेबल होकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर टेरी उसे कहता है कि तुम अगली बार इस तरह से रात में स्विमिंग मत करना। जिसके बाद रूबी सोने के लिए चली जाती है, और जब रूबी रात को सो रही होती है तो उसको कुछ डरावने और अजीब से सपने आने लगते हैं, जिसमें उसे उसके मॉम डैड भी दिखते हैं। अब अगले दिन रूबी के स्कूल में रैश ड्राइविंग की क्लास थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट के फुटेजेस को दिखाया जाता है, जिससे वो घबरा जाती है और वो रात को खाना भी नहीं खा पाती, जिस वजह से एरिन को रूबी की चिंता होने लगती है। वो उससे बात करने जाती है कि तुम्हें क्या हुआ है आज, कोई परेशानी है क्या, जिस पर रूबी उसको बताती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। एरिन एक डॉक्टर थी, जिससे वो उसकी परेशानी को समझ जाती है और रूबी को अपने रूम में जाकर बहुत सारी दवाइयों में से एक दवाई निकाल कर दे देती है। शुरुआत में तो रूबी को ये बहुत अजीब लगता है,
लेकिन वो इस चीज को बाद में इग्नोर कर देती है। दवाई खाकर रूबी को थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, लेकिन रात को एक बार फिर से अचानक उसकी नींद खुल जाती है और उसको प्यास लगती है, जिस वजह से वो पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि एरिन और टेरी अपने रूम में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तभी टेरी रूबी को नीचे खड़ा हुआ देख लेता है, जिससे रूबी अपने रूम में जाकर फिर से सो जाती है। अब फिर से अगले दिन रूबी स्कूल में अपने कुछ नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ तक कोई भी उसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा था, इसीलिए वो अपने घर जाकर अपने रूम में बैठ जाती है। तभी उसके पास टेरी आता है और उससे कहता है कि आज रात मेरे ऑफिस में पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने एरिन से भी पूछा था, उसने कहा कि मैं आज फ्री नहीं हूँ, इसलिए तुम रूबी को अपने साथ ले जाओ, जिससे उसको अच्छा भी लगेगा। रूबी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन टेरी उसको मना कर ले जाता है। रास्ते में टेरी अपनी कार को एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेता है और रूबी को वहाँ पर डिनर कराने ले जाता है, और रूबी से खाना खाते वक्त कहता है कि कल रात को मेरा और एरिन का झगड़ा चल रहा था, जिससे शायद तुम्हारी नींद खुल गई होगी। देखो, हस्बैंड और वाइफ में झगड़े तो चलते रहते हैं, और हमारी वजह से तुम खुद को परेशान मत करना। जिसके बाद टेरी रूबी से कुछ बातें करके और खाना खाने के बाद घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में घर आते वक्त टेरी बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है, जिस वजह से रूबी उसको धीरे चलाने को बोलती है, लेकिन तभी टेरी एकदम से अपनी गाड़ी को रोक देता है और रूबी के बहुत करीब आ जाता है, जिससे वो काफी डर जाती है। लेकिन टेरी तभी अपनी सीट बेल्ट लगाकर घर की तरफ निकल जाता है। घर आने पर रूबी देखती है कि एरिन खुद को एक इंजेक्शन लगा रही होती है। अब इन सारी बातों से रूबी परेशान होकर अपने सिटी में आकर अपने वकील से मिलती है। रूबी उसको अपनी परेशानी और एरिन और टेरी की हरकतों के बारे में बताती है, पर उसके वकील को लगता है कि शायद रूबी अपने मॉम डैड के एक्सीडेंट के बारे में अभी तक सोचे जा रही है, जिस वजह से उसे कुछ गलतफहमी हो गई है, जिससे वो रूबी को समझाता है कि अगर तुम ग्लास फैमिली में नहीं रह पा रही हो तो तुम्हें सिटी की गवर्नमेंट अपने हिसाब से तुम्हारे गार्जियन अलॉट करेगी, जिसमें तुम्हें काफी तकलीफ आएगी, जो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। रूबी की समस्या सॉल्व ही नहीं होती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके वकील को उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो टेरी को कॉल कर देता है और दोनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखने को बोलता है। जब रूबी घर पहुँचती है तो टेरी और एरिन दोनों उसे कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। एरिन उससे कहती है कि मुझको डायबिटीज की बीमारी है, जिस वजह से मुझको इंसुलिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और जब तुम कल रात घर आई थी तब मैं इंसुलिन के ही इंजेक्शन ले रही थी, जो शायद तुमको कुछ अजीब लगे हों। रूबी उनकी बात पर यकीन कर लेती है और उनको सॉरी बोल देती है। रूबी को लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन उसके स्कूल में रूबी ड्राइविंग करना सीख रही होती है, लेकिन उसके लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि वो कार चलाना सही से समझ नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद रूबी किसी काम से टेरी से मिलने उसके ऑफिस में जाती है, जहां उसके कुछ लोगों से मीटिंग चल रही है, जिसमें कुछ लोग उसको धमकी देते हुए उसको मारने लगते हैं। ये सब देखकर रूबी डर जाती है और टेरी के वर्कशॉप में चली जाती है, जहां वो देखती है कि यहां वर्कशॉप में उसके डैड की कार भी पड़ी हुई थी, मगर उनका तो एक्सीडेंट हुआ था और उस कार को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके साथ कुछ हुआ ही ना हो, मतलब उसके डैड की कार बिल्कुल सही सलामत थी। शाम को रूबी टेरी के साथ जब घर जा रही होती है, तब उसको टेरी समझाता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी हाथापाई और इंसिडेंट होते रहते हैं, इसीलिए तुम घबराओ मत। लेकिन अपने पेरेंट्स की कार टेरी के वर्कशॉप में देख रूबी को अब कुछ शक होने लगता है, इसीलिए घर जाकर अपने लैपटॉप में रूबी अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट की न्यूज देखने लगती है, जिसमें लिखा था कि उसके पेरेंट्स BMW कार चला रहे थे, लेकिन उसके पेरेंट्स के पास तो वो कार थी ही नहीं। इसीलिए अब रूबी अपने वकील को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसके डैड एक्सीडेंट वाले दिन किसकी कार चला रहे थे, प्लीज मुझे इसके बारे में पता करके बताओ। उसी रात रूबी को अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना था, जिसमें उसको एक एसे लिखना था, लेकिन वो थक जाने के कारण पास में ही सो जाती है। और जब रात को टेरी रूबी को देखने उसके रूम में आता है, तब वो देखता है कि रूबी अपना होमवर्क करे बगैर ही सो गई है, इसीलिए टेरी उसका होमवर्क कंप्लीट कर देता है। सुबह उठकर रूबी अपने होमवर्क को देखती है जो कंप्लीट था, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और ऑफिस जाते हुए टेरी को थैंक्स कह देती है। स्कूल में रूबी के अब कुछ दोस्त भी बन गए थे, जिसकी वजह से अब उसका स्कूल में मन भी लगने लगा था। उसी दिन रूबी से मिलने उसके स्कूल में एक सोशल वर्कर आई हुई थी, जिसे उसके वकील ने ही उसकी देखभाल कैसी हो रही है ये चेक करने के लिए भेजा था, जिस पर जब उसको पता चलता है कि रूबी और उसका भाई रिट दोनों एक ही रूम में रहते हैं, तो ये सुनकर उसको थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो उसके घर में इंस्पेक्शन के लिए आने वाली होती है। लेकिन जब वो उनके घर में आती है, तब टेरी दोनों भाई बहनों के रूम अलग अलग कर देता है, जबकि रिट से बात करने पर तो उसको टेरी के बारे में सब अच्छी बातें सुनने को मिलती है।
जब सोशल वर्कर को छोड़ने एरिन और टेरी बाहर जाते हैं, तब रूबी नोटिस करती है कि ट्रैश कैन में उसके स्कूल का लेटर था, जिसमें लिखा था कि टेरी ने रूबी और उसके भाई का एडमिशन कैंसिल कर दिया है और वहाँ की ट्यूशन फीस भी उसने वापस ले ली है। और उसमें उसके मामा जैक का भी लेटर था, जिसमें लिखा था कि उसे उन दोनों से मिलना था, लेकिन टेरी ने उसे उनका एड्रेस नहीं दिया। अब इन सब चीजों से रूबी को फिर से कुछ अजीब लगने लगता है। रात को जब रूबी अपने वकील को कांटेक्ट करने लगती है, तब उसको पता चलता है कि टेरी ने उसका अकाउंट क्लोज करवा दिया था, जिस वजह से वो उसके वकील से बात नहीं कर सकती। रूबी को बाहर से टेरी के किसी से बात करने की आवाज आती है। जब रूबी उसको सुनने की कोशिश करती है, तो टेरी किसी को बोल रहा था कि मेरे एक बिजनेस पार्टनर ने मुझको धोखा दे दिया था, जिस वजह से मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, इसलिए मैं आपको जल्द ही कुछ दिनों में आपके पैसे लौटा दूंगा और अभी मैं आपको $30,000 भेज रहा हूँ। दरअसल ये वही पैसे हैं जो टेरी ने स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवाकर वापस लिए हैं। अगले दिन रूबी जब अपने स्कूल जाती है, तो क्लास अटेंड करने के बाद उसके लिए स्कूल के ही फोन पर उसके वकील का कॉल आता है, जिसमें वो उसको बताता है कि जिस कार से उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, वो कार टेरी के नाम पर थी। अब ये सब जानकर रूबी को टेरी के ऊपर शक होने लगता है। तभी उसे स्कूल के प्रिंसिपल बुलाते हैं, जहाँ पर उसको पता चलता है कि जो उसने होमवर्क में ऐसे लिखा था, असल में उसने वो किसी से कॉपी किया है। मतलब टेरी ने रूबी को फंसाने के लिए उसके ऐसे को लिखने के बजाय उसे कहीं से कॉपी किया, जिस वजह से रूबी फंस जाए और उसको स्कूल वाले निकाल दे, जिससे उसका काम बन जाए। रूबी को अब इन सारी बातों से और टेरी से डर लगने लगा था, इसलिए वो उसी रात टेरी की गाड़ी की चाबी चोरी कर लेती है और अपने भाई को उठाकर उस घर से चली जाती है। वैसे तो कार उसको ठीक से चलानी नहीं आती, लेकिन वो अपने डर पर काबू पाकर टेरी की कार से वहाँ से निकल जाती है। अपनी गाड़ी की आवाज सुनकर टेरी भी उठ जाता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि रूबी को उसके बारे में सब मालूम पड़ गया है। इसलिए उसको पकड़ने के लिए टेरी एक और गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी आगे जाने पर रूबी को पुलिस वाले एक चेक पोस्ट पर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर टेरी आता है और इन दोनों को घर ले जाता है। रास्ते में रूबी टेरी से कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, पर तुमने उन्हें क्यों मारा? जिस पर टेरी उससे कहता है कि मैंने उनको नहीं मारा, तुम्हारे पेरेंट्स की तो एनिवर्सरी थी, इसीलिए मैंने उनको मेरी कार दे दी थी। लेकिन रूबी अभी भी टेरी की बातों का विश्वास नहीं करती है और घर आने पर रूबी वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसे उनके साथ नहीं रहना था। पर एरिन उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। अगले दिन टेरी रूबी के अकाउंट से पैसे निकालने उसके बैंक जाता है, लेकिन उसके बैंक वालों को सब मालूम पड़ जाता है कि उसने पहले ही बच्चों के स्कूल से पैसे वापस ले लिए हैं, जिसकी वजह से उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। उधर एरिन को भी हॉस्पिटल से फायर कर दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ से ड्रग्स के इंजेक्शन चुराकर नशे किया करती थी। असल में तो उसको डायबिटीज थी ही नहीं। घर आकर एरिन और टेरी में झगड़ा हो जाता है, जिसमें एरिन उसको बोल रही होती है कि उन्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिससे हमको पता चल जाता है कि रूबी के पेरेंट्स को इन्होंने ही मरवाया था। और एरिन ड्रग्स इसीलिए लेती थी क्योंकि रूबी के पेरेंट्स को मरवाने के बाद उसे काफी पछतावा होता है, इसलिए उस पछतावे को भुलाने के लिए वो ड्रग्स ले रही थी। लेकिन टेरी को कोई पछतावा नहीं था, उसे तो बस किसी से पैसे हड़पने का मौका चाहिए था, जो उसको मिला और उसने हड़प लिए। एरिन को आज रात भी ड्रग्स की जरूरत थी, इसलिए उसके ड्रग्स लेने टेरी बाहर जाता है। एरिन घर में ही ड्रग्स ढूंढने लगती है, जो उसको मिल भी जाते हैं। एरिन अपनी बेटी की वीडियोस को देखने लगती है। दरअसल जब एरिन और टेरी जवान थे, तब उनकी एक बेटी भी थी जो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी वीडियोस देखते हुए एरिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से वो ज्यादा ड्रग्स ले लेती है और ओवरडोज लेने के कारण उसी समय उसकी मौत हो जाती है। रूबी एरिन की हालत देखकर डर जाती है। वापस आने पर टेरी अपनी वाइफ को मरा हुआ पाता है, जिससे उसको काफी दुख होता है। पर वो देखता है कि रूबी किसी से फोन पर बात कर रही है, इस बात से वो गुस्सा हो जाता है। रूबी और रेड अपने आप पर खतरा पाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही टेरी दोनों भाई बहनों को पकड़कर बेसमेंट में बंद कर देता है। दोनों भाई बहन वहां से भागने के लिए रास्ता खोजते हैं और उन्हें वहां पर एक वेंट को खोलने पर रास्ता मिल भी जाता है। टेरी घर से जाने लगता है, लेकिन वो फिर से घर में आकर वाइन पीकर सो जाता है। मौका पाते ही दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और जब वो वहाँ से जाने के लिए टेरी की गाड़ी की चाबी चुराने लगते हैं, तभी वहाँ पर रूबी का वकील आ जाता है, जो टेरी से कहता है कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जिस वजह से बैंक वालों ने भी अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। तभी वहाँ पर
टेरी से पैसे वसूलने दो गैंगस्टर्स आ जाते हैं जिनको रूबी ने वहाँ पर बुलाया था ये कहकर कि टेरी शहर छोड़कर जा रहा है और उनको आता देख टेरी झूठा इल्जाम वकील पर लगा देता है कि ये मेरा बिजनेस पार्टनर है जिसने मेरा सारा पैसा चुरा लिया है। खुद को फंसता देख वकील वहाँ से निकलने लगता है लेकिन तभी एक गैंगस्टर उसको मार डालता है और दोनों गैंगस्टर टेरी को लेकर जाने लगते हैं। तभी टेरी उनसे बचता हुआ कार से भागने लगता है लेकिन रूबी ने तो पहले ही उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे जिस वजह से उसका और गैंगस्टर्स का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और अब रूबी और रेट दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी एक पुलिस वाला उनको लिफ्ट देने के लिए रुक जाता है और आगे जाने पर वो पुलिस वाला देखता है कि यहाँ पर तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है जिसको चेक करने के लिए जब वो नीचे जाता है तभी टेरी जो अभी जिंदा था उस पुलिस वाले को मार डालता है और उसकी गन लेकर ऊपर कार में बैठे रूबी और उसके भाई को मारने आता है। वो रूबी को मारने वाला होता है पर तभी अपने और अपने भाई की जान बचाने के लिए रूबी फटाफट से कार की ड्राइविंग सीट पर आती है और टेरी को अपनी कार से उड़ा देती है जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रूबी उसका भाई और उसका मामा जैक तीनों कब्रिस्तान में उसके पेरेंट्स की कब्र के साथ खड़े हुए थे और अब से ये दोनों भाई बहन अपने मामा जैक के पास ही रहेंगे जो उनका अच्छे से ध्यान रखेगा। जिसके साथ द ग्लास हाउस की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल ये बहुत अनएक्सपेक्टेबल स्टोरी थी जिसमें टेरी को उसके कर्मों की सजा मिली और एरिन को उसके पछतावे ने मार दिया। बाकी इस पर आपकी क्या राय है आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए